हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 15x15 टू पीस क्विल्टेड, 4x11 वन पीस क्विल्टेड, 5x30 इंच टू पीस प्रिंटेड क्लोथ, 6x13 टू पीस प्रिंटेड क्लोथ, 8x9 वन पीस प्रिंटेड क्लोथ, लाइनिंग फोम। जो लाइनिंग और फोम है वो 8x9 का सेम साइज़ में रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 8x9 का प्रिंटेड पीस, फोम और लाइनिंग लेंगे, और फोम को नीचे रखते हुए प्रिंटेड पीस को ऊपर रखते हुए सीधा, और लाइनिंग को तीन तरफ से जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हम 1 इंच, ये सिलाई से 1 इंच अंदर, इधर सिलाई से 1 इंच अंदर मार्जिन देते हुए इसको यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और इस पर ये जो राउंड शेप दिया है, इस पर हम मशीन चला देंगे। और ये जो राउंड शेप दिया था, इसको कट कर देंगे। जितना बाहर एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब इस पर हम मशीन चलाते हुए इसको मनचाही डिज़ाइन से क्विल्ट कर देंगे। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद अब हम लेंगे 15x15 का एक क्विल्टेड पीस, और इसमें कुछ मेजरमेंट करेंगे। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मेजरमेंट, यहाँ पर किसी भी एक साइड से 4 इंच डाउन जाएंगे और इधर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया हुआ है, इधर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, इसको कट करेंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे और इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसको फोल्ड करते हुए, यहाँ से इसको कट करते हुए इसको कट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग के बाद ये जो हमने पॉकेट बनाई थी, इसको यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर है हमारा, इसका सेंटर निकालते हुए यहाँ रखेंगे, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन चला के यहाँ पर डबल कर देंगे, इतना स्पेस खुला रहेगा, और इसको पूरा पैक कर देंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम लेंगे 6x13 इंच का पीस। ये हमारे पास 6x13 इंच का पीस है, इसको जस्ट डबल करेंगे। ये 6 है और ये पूरा इसकी लेंथ 13 है। अब इसको हम बैक साइड से, जो ये कॉलर टाइप से हमने कट किया है, यहाँ पर सिल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिल देंगे डबल करते हुए। मैंने 6x13 लिखवाया था, लेकिन मैं हमेशा बड़ा लेके चलती हूँ ताकि कम ना पड़े बताते समय। और अब पीछे साइड में आएंगे, यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग का लुक देते हुए बाकी कपड़े को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग का लुक आना चाहिए, और इस पर हम मशीन चला देंगे। और इस तरह से पाइपिंग देने के बाद इसको हम इधर पलटेंगे, और इसको इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरा पैक कर दे देंगे। अब इसको इस तरह से पैक करने के बाद अब हम लेंगे 5x30 इंच का पीस, ये है, और इसको इस तरह से डबल करते हुए पूरा पहले सिल लेंगे।
इसको उल्टी साइड से यहाँ तक जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इस तरह से यहाँ पर। अब इसके बाद इसको यहाँ पर जो सिलाई गई है इस पर पलटते हुए पूरा सिलते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर डबल मशीन चलेगी, और ये जो सिलाई इसके साथ मुड़ रही है इसको अंदर मोड़ते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिल देंगे। ये सिलाई देने के बाद अब यहाँ पर इस साइड में हम पतली सिलाई देंगे। और इसी तरह से दूसरा पीस हमने तैयार किया है, लेकिन इसमें हमने पॉकेट नहीं लगाई है, इसको हमने बैक साइड तैयार कर दिया है। अब इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और ये जो साइड है इसको जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में। ये हमारा 2 इंच का निशान हो गया। अब हम लेंगे 4x11 इंच का पीस और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। 2 इंच इधर 2 इंच इधर दोनों मिलाएंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। और इसको यहाँ पर हम पहले दोनों 4 इंच का एरिया जोड़ेंगे फिर 11 इंच का एरिया जोड़ देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, ये देखिए। और अंदर फिनिशिंग के लिए आप चाहें तो पाइपिंग दे सकते हैं और नहीं तो इसी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल शॉपिंग बैग है। और उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।